ब्रिटेन की क्वीन और किंग चार्ल्स की पत्नी बेंगलोर पहुंची। आयुर्वेदिक इलाज के लिए निजी यात्रा पर दोस्तों के साथ आईं। रॉयल प्रोटेक्शन स्क्वाड के साथ हॉलिस्टिक सेंटर में रुकेंगी। ऋषि मुनियों के देश भारत ने दुनिया को एक बार फिर से अपनी आयुर्वेद की शक्ति दिखाई है। महर्षि पतंजलि का योग दुनिया पहले ही मान चुकी है। अब आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का लोहा दुनिया के सबसे ताकतवर परिवार ने भी मान लिया है। इसीलिए तो एक तरफ जहां भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की क्वीन बेंगलोर पहुंची हैं, वो भी अपने दोस्तों के साथ। माना जा रहा है कि वो यहां अपने इलाज के लिए आई हैं। सुरक्षा कारणों से उनकी इस यात्रा को बेहद गोपनीय रखा गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला यहाँ आयुर्वेदिक इलाज के लिए दोस्तों के साथ पहुंची है। बेहद गुप्त दौरे पर ब्रिटेन की क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला अपने पहले विदेशी दौरे पर निकली हैं और वो सबसे पहले भारत आई हैं। वो ब्रिटिश एयरवेज के विमान से बेंगलोर और फिर वहां से टोनी समग्र स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पहुंची। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके साथ किंग चार्ल्स तृतीय भी मौजूद थे, जिनकी ताजपोशी हाल में ही हुई है। क्वीन कैमिला ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान से यात्रा करते हुए गुरुवार को बेंगलोर के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुंची। उनकी इस 10 दिवसीय निजी यात्रा के दौरान उनका उपचार किया जाएगा, पुलिस सूत्रों ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक पुलिस और हवाई अड्डे के सूत्रों ने उन्हें बताया कि 75 साल के किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला अपने दोस्तों के साथ यहां पहुंची। इस दौरान उनकी सुरक्षा में रॉयल प्रोटेक्शन स्क्वाड के कई सदस्य मौजूद थे। हालांकि अधिकारियों ने उनकी इस यात्रा के बारे में किसी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन की क्वीन का यहां करीब 10 दिन तक आयुर्वेदिक इलाज किया जाएगा, जिसमें आयुर्वेदिक पंचकर्म समेत कई विधियां शामिल हैं। पुलिस के उच्च सूत्रों ने कहा कि ब्रिटेन की क्वीन की इस यात्रा का प्रचार प्रसार न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यह उनकी एक निजी यात्रा है। उनके इस दौरे के दौरान कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम या बातचीत निर्धारित नहीं की गई, न ही किसी के साथ कोई मीटिंग फिक्स की गई है। वो यहाँ किसी से भी मिलेंगी भी नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वेलनेस सेंटर के संचालक डॉक्टर इसाक मिथाई से उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर मिथाई से उनका कोई संपर्क नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन की क्वीन कैमिला व्हाइट फील्ड के पास स्थित सौख समग्र स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पहुंची है। पुलिस के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड के रॉयल प्रोटेक्शन स्क्वाड के सदस्यों ने उन्हें हवाई अड्डे से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। सौख के सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर इसाक मथाई क्वीन कैमिला का इलाज करेंगे। बता दें कि क्वीन कैमिला साल 2010 से ही इस स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर रही हैं और उपचार करा रही हैं। डॉक्टर इसाक मथाई ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की लंबे समय से सेवा करते रहे हैं। कई बार ब्रिटेन जाकर शाही परिवार के साथ उन्हें देखा गया है। समय समय पर उनका उपचार और परामर्श भी देते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।